हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अदर कंप्लीट वीडियो। और आज हम खेलने जा रहे हैं GTA 5 दोबारा से। तो आई होप कि यार आप सभी के सही हेलो एकदम बिल्कुल मस्त और द टॉप टिप टॉप होंगे। और यार आज हम खेलने जा रहे हैं GTA 5, क्योंकि पिछले एपिसोड में आपने देखा था यार क्या होता, हमने एक बहुत ही शानदार वाली चोरी की थी भाई ज्वेलरी शॉप में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाओ, आई बटन में मैंने यहीं पे लिंक डाला हुआ है, तो जल्दी से जाके यार पहले वो चोरी देखो और उसके बाद आज हम पता क्या करने वाले हैं। चोरी के बाद भाई हम थोड़ा सा हो गए थे अंडरग्राउंड, भाई मैं माइकल हर एक आदमी जो हमारे प्लान में था भाई सब हो गए थे अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंड होने के बाद भाई काफी टाइम बाद आज हम फिर से आ गए हैं भाई लॉस सैंटोस शहर में। और आज हम भाई साहब एक्चुअली आज हम क्या करने वाले हैं, हम जा रहे हैं, मतलब मैं जा रहा हूँ यार, मेरा नाम अभी फिलहाल के लिए फ्रैंकलिन है और मैं जा रहा हूँ माइकल के घर। माइकल के घर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि यार माइकल ने मेरे को फोन करके बताया कि भाई सुन ऐसा है एक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट काम है और मैं तेरे को एक नए बंदे से मिलाना चाहता हूँ जिसका नाम है ट्रेवर, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। तो गाइस आज इस एपिसोड में ना यार ट्रेवर की एंट्री होने वाली है, तो यार जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। प्लीज यार लाइक कर दिया करो यार और कमेंट भी किया करो गाइस। एंड जल्दी से यार देखो अभी हम आ चुके हैं माइकल के घर पे और फटाक से जो है अभी हम माइकल से बातें शाते कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि भाई साहब क्या होने वाला है। भाई माइकल घर पे है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन यार माइकल ने बोला था कि तू ऐसा करियो तू घर पे आ जाइयो जब तेरा मन करे और मैं तेरे को हमेशा घर पे ही मिलूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मेरे को लग रहा था ऐसे माइकल जो है ना यार घर पे ही है ना, मतलब यार छुपा हुआ है अभी तक, बाहर अभी तक बिल्कुल गया नहीं है। और यस गाइस माइकल यही पे ही है, तो चलो यार ये बातें शातें करेंगे माइकल और फ्रैंकलिन, तो इनकी बातों को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। और गाइस फ्रैंकलिन और माइकल की बहुत सारी बातें होने के बाद यार हम यहाँ पे आ चुके हैं भाई। और ये बंदा है ट्रेवर भाई, ये फटी चट्टी बने आ रहे हैं भाई, क्या बंदा है भाई, इसके पूरे कपड़े लाल हो रखे हैं खून से भाई, मेरे को लग रहा है साये से ये है ना भाई, बहुत ही तगड़ा वाला सीरियल किलर है भाई, पता नहीं भाई क्या सीन है। लेकिन फिलहाल के लिए भाई ये अपने दोस्तों से बोल रहा है कि यार जाओ यार एक लड़के का पता लगाओ जिसका नाम है भाई साहब माइकल, और भाई लॉस सैंटोस में रहता भाई, इसने पता नहीं क्या मैटर हुआ है माइकल और ट्रेवर में, मुझे नहीं पता। लेकिन यार जहां तक मेरे को पता है अभी तक भाई ट्रेवर का मूड सही नहीं है और भाई पता नहीं है जाने कहां पे जा रहा है, शायद से मेरे को ऐसा लग रहा है शायद से ये माइकल की है ना यार सुपारी देने के लिए जा रहा है भाई। तो चलो यार जल्दी से भाई ये जहाँ पे जाना चाह रहा है ना वहीं पे पहुंचते हैं, वहीं पे चल के बातें करते हैं। मेरे को लग रहा है भाई कि शायद से आज है ना माइकल का भाई लास्ट दिन होने वाला है, माइकल शायद से मरने वाला है, क्योंकि भाई यार ट्रेवर को देखते ही पहले तो भाई ये खुद ही जब बहुत ज्यादा तगड़ा वाला खूनी लग रहा है और भाई ये जा रहा है किसी को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में किसी को भाई मारने या पता नहीं जाने कहाँ पे जा रहा है। तो चलो यार जल्दी से पहुंच जाते हैं जगह पे और देन फिर उसके बाद से दोबारा से आप बताते हैं भाई कि क्या सीन होने वाला है। वैसे यार जगह पे हम काफी पहुंच ही चुके हैं, ज्यादा दूर है नहीं है यार, थोड़ा पास में ही आया था। और ये लो भाई साहब हम यहाँ पे आ चुके हैं, और भाई यहाँ पे ये लोग कौन है यार, बाइक बाइक पे बैठे हुए हैं यार, खतरनाक ही लग रहे हैं गाइस, ये भी मेरे को गुंडे वुंडे लग रहे हैं यार, खतरनाक वाले हो मेरे को लग रहा है भाई। अभी खत्म है मतलब अभी भाई माइकल खत्म है। और भाई ये ड्राइवर कितना टॉक्सिक है भाई साहब, सीधा गाली दे के बात कर रहा है भाई उससे। तो चलो यार इनकी बातें ज्यादा कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन होने वाला है। और यार जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था भाई ड्राइवर सच में बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है भाई, ये बातों बातों में लड़ने वड़ने लग गया भाई। और यहाँ पे यार हम आ चुके हैं भाई बहुत ही सच में यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अभी इनकी लड़ाई हो चुकी है और फिलहाल के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ भाई साहब। ये लो भाई आते दो बंदों को चटका भी दिया भाई, चलो यार कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई एक बात तो ये बात पक्का है कि ये बहुत ही तगड़ा वाला भाई सीरियल किलर है भाई, सही बता रहा हूँ, इसको कोई परवाह नहीं है भाई अपनी जान की, ये बस भाई एक चीज बिलीव रखता है कि भाई सामने वाले को ठोको चाहे कुछ भी हो जाए। तो यार फिलहाल के लिए ये तीन बंदों के पीछे लग गया था जिसमें से दो को इन्होंने चटका दिया और ये लो सारा हमारी गाड़ी भी यहीं पे टुकनी थी। तो चलो यार एक गाड़ी और एक बैन और है भाई जिसका हम पीछा करने वाले भाई, और इसके साथ ही हम जाने वाले, पता नहीं ये बैन हमें जाने कहाँ पे लेके जाने वाली है। और यार मैं इसमें भाई बहुत सारी गोलियां भी दे रहा हूँ लेकिन भाई पड़ नहीं रही है, मतलब पड़ रही है भाई लेकिन बंदा मर नहीं रहा। और यार पता नहीं हम जाने ये कहाँ पे आ चुके हैं। चलो यार फाइनली हम यहाँ पे घर वगैरह के पास आ चुके हैं भाई, जिससे क्या ये गाड़ी वाला भी भाई यहीं पे रुक चुका है भाई होलिया केल।
अभी फटाक से यहाँ पे तो यार ये अपने बंदों के पास लेके आ गया भाई, हमको यार ये सारे बंदे मारने पड़ेंगे भाई, खतरनाक ही सीन हो गया। मेरे को लगा था कि भाई ये भाग रहा है, और ये भाग नहीं रहा था, ये साला हमें भाई जाल में फंसा लिया भाई, ये लौंडा में जाल में फंसा लिया और यहाँ पे भाई लेके आ गया सारे बंदों के पास। चलो भाई साहब इसका पहला पहला मतलब बॉन ही होते हुए यार हमें नजर आ रही है, अब हम खेलने वाले हैं भाई ये रनवे पे, मतलब समझ रहे हो ये रनवे बोल लो यार तुम, ये क्या बोल सकते हम, बार वॉर का मैदान क्या बोलते हैं उसको, रणभूमि, रणभूमि पे हम खेलने वाले क्रिकेट। और दूसरा बंदा जो है हमने यहाँ पे पेल दिया, और हमारा ट्रेवर जो है बहुत ही ज्यादा शानदार और खतरनाक हालात में यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। पीछे से आया एक बंदा और इसकी भी चटनी यहाँ पे ट्रेवर के द्वारा बना दी जाएगी। ट्रेवर बहुत ही ज्यादा गुस्से में खेलते हुए अपने अंदाज में बहुत ही शानदार चल रहे, और फिलहाल के लिए भाई साहब हम जा रहे हैं आगे, क्योंकि यार यहाँ पे काम नहीं बनेगा। और मेरे को लगता है कि शायद यार हमें ये गाड़ी लेके जानी है क्या यार, मेरे को पता नहीं है भाई, लेकिन चलो यार शायद से गाड़ी नहीं लेके जानी भाई। आगे लौंडा आ गया, इसकी जात का टना बाप बेचो लैया चना, जल्दी से ठोको साले को, ये आ गए इनको भी चटका दो भाई, और जल्दी से यार हम आगे वाले कॉर्नर पे चलो। ओ भाई ये गाड़ी लेके भाग रहा हराम को सुअर, गाड़ी लेके हमारे सामने भाग रहा, बताओ इतना बड़ा आदमी हो गया ये हमारे सामने भाग जाएगा, हमारे भाई का एम नहीं पता, पर्चे हाथ छोड़ देते हम। चलो भाई ये तो हमने पेल दिया है गाइस पटाख से, और इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चल लेते हैं भाई, और इसको भी चटकाओ साला, ये मुंह पे भाई शॉट गन लेके आ रहा है मुंह पे हराम खोर। और गाइस फिलहाल के लिए यार हमें बाइकर्स को रोकना है, समझ लो मतलब बाइकर जो है ना यहाँ पे जो बाइक से भाई मतलब किसी को भगने नहीं देना है, तो फिलहाल के लिए हमें उन्हें रोकना है। तो यार जल्दी से आगे चल लेते हैं हम, क्योंकि बैन के पास यार हमें लग नहीं रहा था कि हम बंदों को मार पाएंगे। ओ भाई साहब ये आ चुके हैं गाइस बाइकर्स, भाई क्या ही उड़ाया है साला, भाई अभी भी मर नहीं रहा है। चलो यार तो हमने दोनों बाइकर्स को तो यहाँ पे खत्म कर दिया भाई, और आगे जाके हमें और देखना पड़ेगा भाई और कितने बाइकर्स और बाकी अभी, और ये देखो साला ऊपर की तरफ से मार रहा है भाई, और ये दो बाइकर और आ गए, और चलो जल्दी से गाइस हमने इनकी चटनी बना दिया भाई यहाँ पे। सच में यार मेरे को लग रहा भाई ये ट्रेवर है ना भाई मरवा के ही रहेगा सारा, भाई दो दोस्तों को लेके आ गया है, और मेरे को लग रहा भाई इसने बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली गलती कर दी भाई यहाँ पे आके। और भाई ये बंदे कहाँ कहाँ पे छुपे हुए भाई, रेलवे ट्रैक और इधर उधर भाई पता नहीं जाने कहाँ पे भाई, पूरा मतलब बहुत ही गंदा वाला अपना अड्डा सा बना रहा है। ओ भाई साहब पीछे से यार और कोई भी मार रहा है मेरे को साला, कौन है ये, जल्दी से इसको भी मार देता हूँ मैं। चलो भाई इसको भी चटका दिया, एक बस के पीछे और बैठा यार कोई छुपके, ये रहा साला आराम को, ये देखो सांप झाड़ियों में भाई कतई एकदम बिल्कुल गिली सूट वाला सांप बन के बैठा हुआ, कतई पबजी खेल रहा है सुअर आराम को। चलो यार इनको तो उड़ा दिया भाई, सांप को तो सूट दिया हमने, और भाई ये भी लौंडा बचा हुआ था, चलो फटाक से इसको भी उड़ा दिया भाई। क्या कोई और बंदा और बाकी है यहाँ पे यार, जल्दी से देख लेते हैं। फिलहाल के लिए रिटर्न टू द ट्रक आ गया, तो यार जल्दी से अपन ट्रक के पास चल लेते हैं जिससे कि अपना थोड़ा सा काम हो जाए। तो गाइस उन सभी बंदों को तो यार हमने मार दिया, और हम भाई साहब फाइनली यार अपने आ चुके हैं वापस ट्रक पे। और यार सही बताऊं ना यार हमने एक बंदे को और जो कि भाग रहा था भाई उसको पकड़ के पूछा भाई, तो उसने थोड़ा सा है ना यार हमें स्टोरी बताई थी भाई एक्चुअली क्या हुआ था, मतलब जो ये जो गुंडों वाला सीन हुआ है ना वो पता है क्यों हुआ है, क्योंकि एक बंदा भाई जो ट्रेवर का फ्रेंड था उसने भाई ट्रेवर के साथ गद्दारी कर दिया भाई बिजनेस में, तो यार ट्रेवर को है ना भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो इसीलिए भाई वो इन सब चीजों का पता लगाने के लिए भाई यहाँ पे आया, और उसने है ना इन सब गुंडों को मार दिया। फिलहाल के लिए यार अभी जो है ना हम भाई हम बोले तो ट्रेवर भाई फिलहाल के लिए जा रहा है उसी अपने दोस्त के पास, मतलब जो बिजनेसमैन है ना भाई उसी के पास जा रहा है। भाई ये सही बताओ ना बहुत ही ज्यादा गुस्से में है भाई, गुस्से में इसलिए भी है क्योंकि यार उस दोस्त ने ऐसे गद्दारी कैसे कर सकता है भाई कोई बिजनेस में भाई, और ये बिजनेस भी भाई उस चीज का कर रहा है मतलब भाई गन्स वगैरह स्मगलिंग का बिजनेस भाई, ट्रेवर भाई नाम से ही खतरनाक गुंडा एकदम बिल्कुल खतरनाक, और भाई काम भी इसके बहुत खतरनाक है। वो भाई यहाँ पे हम आ चुके हैं भाई, ट्रेवर ने गाड़ी यहाँ पे हमने मोड़ ली है, और साला भाई यही दोस्त था जिसने भाई जो है ना क्या बोलते हैं यार इसको गद्दारी जो है ना इसने की थी। और भाई फिलहाल इसको है ना भाई साहब इससे सारा सच उगलवाने वाले, और सारा गाड़ी को भाई इसकी ये जो बेसमेंट है भाई इसको पूरा की पूरा ढकेल के हम भाई नदी में फेंक दिया है भाई ट्रेवर ने। और फिलहाल के लिए भाई खतरनाक वाला ही सीन हो चुका है भाई, ये लौट आ चुका है बाहर। अब भाई जल्दी से बता तूने ऐसा क्यों किया भाई, क्यों तूने बिजनेस में गद्दारी की मेरे साथ हरामखोर, मैं तेरे को अच्छे से पैसा दे रहा था, हम भाई अच्छे से पार्टनरशिप चल रही थी, क्या हुआ था हरामखोर सुअर,
भाई पता नहीं क्या हो गया यार, लेकिन अभी है ना ट्रेवर बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है मेरे को लग रहा है शायद भाई ये ना यार ट्रेवर मार देगा भाई इस बंदे को, और शायद से भाई मेरे को ऐसा ही लग रहा है। तो यार पता नहीं क्या सीन करने वाला है वो, भाई सब मार देने वाला है। चलो भाई ट्रेवर ने इसको तो खत्म कर दिया है भाई, तो जल्दी से यहाँ से भाई निकल लेते हैं, वरना पता चला भाई पुलिस वगैरह आ गई तो यार फालतू के यार झंझट हो जाएंगे। तो यार झंझट हमें नहीं चाहिए, तो जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं। और यार हमको रोन को भी भाई उसके घर पे छोड़ना है, तो भाई इसको भी इसके घर पे छोड़ देंगे, और भाई अपना फिर काम हो चुका है, क्योंकि यार देखो हमने अपना बदला तो ले लिया है। और फटाक से यार हम आ भी चुके यार रोन के घर के पास, क्योंकि ज्यादा खास दूर था नहीं इसका घर, तो यार फटाक से इसको है ना इसके घर पे छोड़ देते हैं भाई, जिससे कि अपनी लाइबिलिटी खत्म हो जाए। और रोन भाई तू ऐसा कर, जल्दी से निकल यहाँ से, कल्टी मार, फिर उसके बाद मैं तेरे को फोन करूंगा, उसके बाद अपन मिलेंगे, ठीक है? ओके भाई। तो रोहन यहाँ पे भाई भाग चुका है, और फटाक से यार हम अपनी गाड़ी को है ना यहाँ से लेके जाके अपने गैरेज में पार्क कर देने वाले, मतलब यार खास ड्राइवर का ऐसा कोई गैरेज तो है नहीं है भाई, बस खुली सड़क है। तो यार फटाक से हमने यहाँ पे पार्क कर दिया, और हाई होप से यार आपको बहुत मजा आने वाला हो। भाई ट्रेवर का क्या ही घर है भाई, क्या घर है ये, ऐसा लग रहा है अनिल कपूर में, वो अनिल कपूर की वो जो पिक्चर थी ना भाई अमरीश पुरी वाली भाई, जिसमें वो रंगा रहता है ना भाई कोहली में, सेम वैसा घर है भाई। और यहाँ पे भाई ये भूत बात के फ्री भी हो गया। चलो ठीक है यार, बहुत ही सही सीन है। तो आई होप कि गाइस यार आपको मजा आया रहेगा, अगर मजा आया तो प्लीज यार लाइक कर दीजिएगा यार वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपन मिलते हैं यार अगली वीडियो में, और ऐसी बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी, सीरीज कंटिन्यू रहेगी। और एक चीज कमेंट में और बताइएगा कि क्या हम GTA पार्कौर खेले, अगर आपको भी खेलना यार मेरे साथ तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिएगा GTA पार्कौर के लिए, एंड देन फिर अपन मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, बहुत सारा प्यार सभी को, मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट वीडियो में।